आपको सैंटा क्लॉज पर साइंस के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जो मैंने दो दिन में कवर किए। उन सब जगहों में से एक ऐसी भी जगह थी जो दिसंबर 2019 तक पब्लिक के लिए नहीं खुली थी, और उस जगह के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम अभी गैंगटोक लोकल साइटसिंग के पहले पॉइंट पे आए हैं, बंजाकरी वाटरफॉल। आपको आवाज सुनने से तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। वाटरफॉल। आप लोग यहाँ पे जल्दी सुबह आए तो भीड़ कम मिलेगी, आप यहाँ पे बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, और बच्चे और बड़े भी एडवेंचर का भी मजा ले सकते हैं, और मैं भी एक एडवेंचर करने जा रही हूँ। गोंजांग मोनेस्ट्री को तिंके गोंजांग रिम्पोच ने बनाई थी। सॉरी, मुझे उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता। मोनेस्ट्री बहुत अच्छी थी और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, और यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। ताशी व्यू पॉइंट गैंगटोक सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये गोंजांग मोनेस्ट्री के पास में ही है। यहाँ ये एक सनराइज और सनसेट पॉइंट है। यहाँ से कंचनजंगा पहाड़ का अच्छा व्यू दिखता है। मौसम फॉगी होने के कारण हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। गणेश टोक गणपति बापा का मंदिर है। टोक मतलब टेंपल। यहाँ पे मंदिर में ऊपर से सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। गणेश टोक मंदिर के ऊपर बहुत अच्छा व्यू है।
के माउंटेन्स ऐसे लग रहे कि जैसे कि वो उड़ रहे हैं। हम अभी हनुमान टॉप की तरफ जा रहे हैं। हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं हनुमान टॉप। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे तभी वो यहाँ पे रुके थे। ये मंदिर इंडियन मिलिट्री मेंटेन करती है। वहाँ से भी कंचनजंगा का अच्छा व्यू दिखता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंची मोनेस्ट्री। तो चलो, मोनेस्ट्री में अंदर जाते समय दोनों तरफ प्रेयर व्हील्स है। प्रेयर व्हील्स पर मंत्र लिखे हुए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपकी कोई भी विशेष हो तो आप इन प्रेयर व्हील्स को घुमाते समय ओम मणि पद में हम मंत्र जरूर बोलें। इससे आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। हम एंची मॉनेस्ट्री तो आ गए, पर यहाँ पे रिनोवेशन चालू है तो अंदर जाना मना है। ये मॉनेस्ट्री 19th century में बनी थी। अंदर जाना तो मना था, पर ये बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती है। हम हमारे आज के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं और जिसका नाम है दोद्रुल चौर्तन। हमारे ड्राइवर अंकल ने बताया कि स्तूपा के दर्शन के लिए भूटान से भी लोग आते हैं। तो चलो, अभी शाम के 5 बजे हैं और यहाँ पे अंधेरा हो गया है। मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ स्तूपा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो, कुछ आवाज सुनाई दे रही होंगी। हाँ, हम मॉनेस्ट्री आए हैं लिंगडम मॉनेस्ट्री। इसे राम का मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। तो चलो अंदर। इसकी डिटेल्ड वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये तो मॉन्क्स का डांस है। Thank you.
हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आया है रुमतेक मॉनेस्ट्री। रुमतेक मॉनेस्ट्री को धर्मचक्र सेंटर भी कहते हैं। ये मॉनेस्ट्री गैंगटॉक सिटी से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। रुमतेक मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे बड़ी और पुरानी मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री के एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड चेक करने के बाद आपको एंट्री देती है। आज क्लियर मौसम होने से गैंगटॉक सिटी का अच्छा व्यू दिख रहा है। रुमतेक मॉनेस्ट्री एक बुद्धिज्म स्टडीज का एक सेंटर है। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स दूर दूर से बुद्धिज्म पढ़ाई करने आते हैं। ये मॉनेस्ट्री के अंदर एक गोल्डन स्तूपा है जिसके साथ 15 कर्मप्पा के अवशेष रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों के कारण मॉनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी की मनाही है। मेरे छोटे भाई को तो मज़ा आ गया, वो पंछियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, मैं गैंगटॉक रोपवे में हूँ। यहाँ से गैंगटॉक सिटी का एरियल व्यू दिखता है जो आपको जरूर देखना चाहिए और वो मिस बिल्कुल मत करना। केबल कार के टाइमिंग्स और फीस चार्जेस एडल्ट्स के और किड्स के की डिटेल्ड वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आप देख लेना। हम लोग अभी ठाकुरबरी टेम्पल के बाहर है जो एमजी रोड पे गांधी जी के स्टैचू से 5 मिनट की दूरी पे है। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसके लिए हम बाहर से देख रहे हैं। हम लोग अभी एमजी रोड पे आए हैं और ये महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि लोगों को बैठने के लिए बेंच और चलने के लिए एक सड़क प्रोवाइड की गई है जहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं। हमने यहाँ पे लोकल फूड का मजा लिया और खूब सारी शॉपिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन।